कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। घातक करने का तीसरा वीडियो, तीसरा वीडियो आपके सामने है। मैं समझता हूँ दो वीडियो आप देख चुके हैं और सबका मालिक एक वाली वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी ना, तो अभी जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसका लिंक और आई बटन में मिलेगा, तो दोनों जगह से आप देख सकते हैं और सबका मालिक एक कैसा लगा ये बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए आज लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है भैया आज का, देख लेते हैं। ये है अंडर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 15। अच्छा, इस टाइप का अगर कहीं भी क्वेश्चन आ रहा है, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट आ गया, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। इसके टुकड़े ऐसे करने जिनका योग ये वाली संख्या हो, यहाँ माइनस आ रहा हो प्लस आ रहा हो इसका देखने है बस। तो 15 के ऐसे टुकड़े करने जिनका योग 8 हो, तो 5 × 3 = 15। बड़ी संख्या पहले लिखो, बड़ी संख्या पहले लिखो, छोटी संख्या लिखो बाद में। बड़ी संख्या पहले लिखो, छोटी संख्या लिखो बाद में। एक करनी इस पर लगाऊं, एक करनी इस पर लगाऊं, बीच में जो चिन्ह आया था वही लगा दो और उत्तर आ गया, उत्तर आ गया भाई। सपोज करो कल को ये आ गया आपके पास, 8 + 2 √15 आ गया, तो 15 के टुकड़े तो पता ही है आपको, 5 और 3 9 है। एक करनी इस पर लगाओ, एक करनी इस पर लगाओ, बीच में वही लगाओ, प्लस उत्तर आ गया। ठीक है, कैसा लगा एक और देखते हैं भाई। अगर अच्छा लगा है तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई। ठीक है, यह आया भाई, यह एक्स बराबर 7 − 4 √3 और वैल्यू पूछ ली इसने एक्स और 1/x की वैल्यू का योग पूछ लिया। अच्छा, कभी भी प्लस करना हो ना, मतलब एक्स और उसके उल्टी वैल्यू का, तो यहां पर भी बीच में चिन्ह बदल दो, केवल आप 7 + 4 √3 कर दो आप, मतलब इस वैल्यू में जहां पर एक पूरा पद है और एक जो है आपका करनी में पद है, इस टाइप के पद है, तो वहां पर आप उल्टा करें तो केवल चिन्ह बदल दे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, जोड़ दो, जोड़ दो जी, x प्लस 1/x जोड़ते ही कैंसिल और 7 और 7 = 14। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें भैया, जैसे x की वैल्यू थी 7 − 4 √3 और वैल्यू निकालनी आपको 1/x की, वैल्यू किसकी निकालनी, 1/x की निकालनी है। तो आप क्या करें, पहला काम तो यही करें जो मैंने बताया, पहला काम तो वही करें जो मैंने बताया, क्या है कि संख्या जो कि तू लिखे बीच का चिन्ह बदल दें, साथ साथ एक चीज और चेक करें, साथ साथ एक चीज और चेक करें, क्या चीज चेक करनी बताओ, साथ साथ एक चीज और ये चेक करनी है कि आपको इसके वर्ग में से, आपको इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाना है, आपको इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाना है, तो 7 का वर्ग कितना हुआ है, 7 का वर्ग 49 और 4 √3 का वर्ग 4 × 16 = 48, 49 में से 48 गए, 1 बचेगा। अब कुछ लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने का, अगर आपका इन दोनों का अंतर 1 आ रहा तो कुछ लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने का, लेकिन 1 के अलावा कुछ भी आ रहा तो अपोन में लिखना पड़ेगा, अपोन में लिखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, ये है आपके सामने x बराबर 3 + √8 और वैल्यू निकाल रहा है x² + 1/x² तो x² की वैल्यू निकाल लो भाई, 3 + √8 का वर्ग कर दिया हमने, तो 3 × 3 = 9 + 8 + 3 × 6 √8 तो 9 × 8 = 17 + 6 √8 किसकी वैल्यू आई, x² की, किसकी वैल्यू आई, x² की, 1/x² की निकाल ली, 1/x² की निकाल ली, केवल चिन्ह बदल दो और बाकी यहाँ पर देखिए इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा दो, 17 का वर्ग 289 और 6 √8 6 6 36 36 8 288, मतलब एक अंतर है। अब जोड़ना है तो जोड़ दो, जोड़ते ही तो कैंसिल हो गया भाई और 34 उत्तर आ गया। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है चीज़ें अगर आप समझ रहे हैं, अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत आसान है। मैं समझता हूँ कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है और क्वेश्चन नंबर आज का 4 आपके सामने आ गया है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है अभी देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 3 + √5। ठीक है, 3 + √5 इस क्वेश्चन का वर्गमूल निकालना, आपको वर्गमूल निकालना भैया। ठीक है, तो वर्गमूल के लिए मैं लूँगा यहाँ पर ऑप्शन। ठीक है जी, पहला ऑप्शन है इसका 3/2 + 1/√2
दूसरा ऑप्शन है अंडर रूट 3/2 माइनस 1/2 सी ऑप्शन, मतलब तीसरा 5/2 माइनस 1/√2, और चौथा ऑप्शन रूट 5/2 प्लस 1/√2 ये है। ठीक है जी, अब एक बात बताइए, एक बात बताइए भाई कि बीच में प्लस है तो उत्तर तो प्लस ही आना, मतलब दो तो वैसे ही खत्म हो गए। अब यहाँ पर 5 आ रहा तो उत्तर में 5 तो आना ही आना, 5 के टुकड़े तो कर ही नहीं सकते आप, नहीं कर सकते थे वो भी गया, तो ये उत्तर आ गया, डायरेक्ट लगा सकते थे हम इसका उत्तर। ठीक है, अब बहुत सारे कहेंगे भाई उसी तरह से करो जैसे पहले करवाया था, करो लो जी उस तरह से। अब उसमें क्या था, यहाँ पर 2 था तो 2 यहाँ नहीं है तो बना लो, तो कैसे बना सकते हैं, 2 से गुणा 2 से भाग, और 2 से भाग करके वो 2 ले गए हम अंदर। अब 5/4 कैसे टुकड़े कर दो, 5/4 कैसे टुकड़े कर दो जिनका योग 3 हो, तो 1 हो जाएगा 5/2 और 1 हो जाएगा 1/2। देखिए दोनों को जोड़ो तो 5 और 1 6/2 का मतलब 3, बीच में क्या है प्लस, और दोनों पर लगा दो अंडर रूट, देखिए उत्तर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इतना सोचना क्या, ऑप्शन तो है उसका भी तो यूज करो, दिमाग तो लगाओ, बात बनेगी भाई, बात बिल्कुल बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, आज का क्वेश्चन नंबर 5 उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 5, यह है अंडर रूट 7/√16 प्लस 6/√7 माइनस अंडर रूट 16 माइनस 6/√7। देखिए एडिटिंग के बाद लगा जाता क्वेश्चन, मतलब हमें नहीं दिखाई देता, इसलिए यहाँ से देखकर लिखना पड़ता है क्वेश्चन अंडर रूट 7/। देखिए अभी पहले एक पार्ट को समझें, अंडर रूट 16 प्लस 6/√7 को समझें। अभी तक क्या था कि यहाँ पर 2 था उन क्वेश्चनों में, अगर इसमें 2 नहीं तो 2 बना लो, बना दिया जी, और इसके टुकड़े करने थे जो अंदर वाले थे, अभी तक ये कर रहे थे, लेकिन अब इतना भी नहीं करना, अब तो इतना भी नहीं करना भैया। अगर कुछ संख्या बाहर है कुछ अंदर है तो जो बाहर वाली उसे बाहर अलग लिख दो, अंदर वाले को अलग लिख दो, जो बीच में चिन्ह है वो लगा दो, सेम काम यहाँ पर कर दो भाई, बाहर वाले को बाहर लिखो, अंदर वाले को अलग लिख दो अंदर, और बीच में चिन्ह लगा दो जो है, कर दो हल, हो गया काम भाई, हो गया काम, और आ गया उत्तर, मिलेगा आराम। ठीक है जी, ये आ गया √7/√7, मतलब इससे कैंसिल हुआ तो उत्तर आ गया 1/2, और यही तो इसका आंसर भी है। कैसा लग रहा है घातांक करने का चैप्टर, जिन बच्चों को आज से पहले हार्ड लग रहा था क्या कुछ आसान हुआ है उनका काम, अगर हुआ है तो भैया लाइक और शेयर तो कर ही दो, साथ साथ कमेंट भी कर दिया करो, कभी कभार इतना जो काम कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा आपका, और पैसा नहीं लग रहा फ्री में भी करते हुए इतना काम जोर पड़ता है, अंगूठे का सदुपयोग बिल्कुल करें, लाइक करें शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।